गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ प्रीति देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी. एंड टूडे सेशन वी विल बी डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट अ बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फाइल एंड पॉपुलेशन डाटा. बेसिकली सेंसस डाटा पे हम काम करेंगे, जिसमें हम 2011 का जो हमारा डाटा है उसमें हम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को लेंगे. तो हमारा जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1911 से स्टार्ट होके हम 2011 के डाटा पर आज हमारा बार ग्राफ बनाएंगे. तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप डाटा को प्लॉट करोगे एक्सेल सीट पर. तो यहाँ पर आपको पहले वाली जो रो है इसको छोड़ देना है, सेकंड से शुरू करना है आपको. ईयर्स लिखना 1911, 1931, 1941, और आपको ऐसा करके 2011 तक का सारा डाटा लिख लेना है. अब यहां पर आप लिखोगे डिकेडल पॉपुलेशन. यहां पर आप डिकेडल ना डाल के सिर्फ डाल दीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज. इसके बाद आप अपना यहाँ पर जो आपका डाटा है उसको अपलोड करोगे. तो उसमें आप और इस तरीके से हमारा सारा डाटा यहाँ प्लॉट हो जाएगा. अब इसको आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा दोनों जो कॉलम है हमारे, आप इनको सिलेक्ट करोगे. उसके बाद आप इंसर्ट पर जाओगे. इंसर्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग चार्ट्स दिखेंगे, जिसमें आपको कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, अलग अलग आपको कॉलम यहाँ पे दिख रहे होंगे. तो आप कॉलम पर जाएंगे, वहाँ से आप कॉलम का स्टाइल लेंगे. और यहाँ से आपको अब क्या करना, आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पे फिर हमारी पॉपुलेशन कितने में है वो दिख रही है, फिर यहाँ पर ईयर्स दिख रहे हैं. अब आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको मूव चार्ट पर जाना है और यहाँ से आपको न्यू शीट लेनी है और ओके करना है. अब आपका देखोगे आप अपना आपका जो ये बार ग्राफ है ये एक नई शीट पर ओपन हो चुका है. अब आप यहाँ से सारों का फॉन्ट चेंज करेंगे, सबका फॉन्ट आपका टाइम्स न्यू रोमन रहेगा. और यहाँ पर आप इसका साइज इंक्रीज करोगे अपने हिसाब से कि जो आपके मैप पर ठीक लगे, और इसको बोल्ड कर देना है. उसके बाद आप नीचे वाले को भी सेम यही प्रोसेस करोगे, टाइम्स न्यू रोमन करोगे इसको भी. टाइम्स न्यू रोमन और उसके बाद इसका साइज इंक्रीज कर लोगे आप और इसको भी आप बोल्ड कर दोगे. अब यहां से आपको इसको हटा देना है इंडेक्स को, और ऊपर जाकर फिर आपको क्या करना है, लेआउट पे आओगे आप और यहां पर चार टाइटल, और चार टाइटल पे भी एबो चार्ट करोगे आप, और ये आपका यहाँ पर चार टाइटल आप डाल दोगे.
तो हमारा चार्ट टाइटल है इंडिया डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 2019 11 टू 2011। इसके बाद इसका भी आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से सारा इसका भी आप फॉन्ट चेंज कर दोगे, जिसमें आप टाइम्स न्यू रोमन पर जाएंगे फिर से और इसको इसका साइज आप देख लोगे आपके चार्ट के हिसाब से। उसके बाद आपको फिर से लेआउट पर जाना है। लेआउट पर जाने के बाद एक्सिस टाइटल पर आप आओगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइटल लोगे और टाइटल ब्लो एक्सिस करोगे। अब यहाँ पर आपको क्योंकि ये सेंसस ईयर दिखा रहा है हमारा, तो यहाँ पर आप लिखोगे सेंसस ईयर्स। अब यहाँ से फिर से इस पर जाएंगे और टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ से इसका साइज फिर से इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन दिखा रहा है, तो ये करोड़ में है या फिर ये लाख में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको भी हम चेंज करेंगे। लेआउट पर जाएंगे, फिर से हम एक्सिस टाइटल पर जाएंगे और इस बार वर्टिकल लेंगे। वर्टिकल में भी आप रोटेट टाइटल करोगे और यहाँ पर आपको लिखना है पॉपुलेशन इन, हमारी ये पॉपुलेशन लैक में है तो हम लैक में लिखेंगे, कंट्रोल ए करेंगे इसे फिर से, और फिर से हम होम पर जाएंगे और वहाँ पर हम अपना फॉन्ट चेंज करेंगे टाइम्स न्यू रोमन, और उसके बाद इसका भी साइज हम इंक्रीज कर देंगे जो भी हमें ठीक लगे उस हिसाब से। अब ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद आपको क्या करना है इस पर जाना है, यहाँ पर आपको ऐड डाटा लेबल्स मिलेंगे, इसको आप करोगे। फिर ऐड डेटा लेबल्स पर एक पर आपको क्लिक करना है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर इनका भी फॉन्ट आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर आप टाइम्स न्यू रोमन करोगे इनका फॉन्ट, थोड़ा इनका साइज इंक्रीज कर लोगे ताकि वो चार्ट में हमें दिखे कि क्या पॉपुलेशन है, इसको भी फिर आप बोल्ड कर दोगे और आप देखोगे इस तरीके से आपका जो बार ग्राफ है वो पूरा का पूरा तैयार है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा जो पॉपुलेशन है और जो ईयर है वो दोनों मर्ज हो चुका है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो एक जो हमारे 2019-21 की जो पॉपुलेशन थी उसका जो ग्रोथ था वो माइनस में चला था, यानी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी हमारी पॉपुलेशन की, तो इस वजह से वो नेगेटिव में दिखा रही है हमारी पॉपुलेशन को और ये दोनों एक साथ ही शो हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको इस तरीके से आपका मैप पूरा का पूरा एक तैयार हो जाएगा, इंडिया का जो बार ग्राफ है वो तैयार हो जाएगा और आपको इससे पता चलेगा कि आपको अपने जो एग्जाम्स हो या किसी भी पर्पज से आप अपना एक बार ग्राफ किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा क्या क्या करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे आप अपना एक बार ग्राफ इजीली बना सकते हो। तो सभी को ऑल दी बेस्ट।